हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस खराब बॉटल को कन्वर्ट कर सकते हैं एक क्रिएटिव आर्ट वर्क में। बिल्कुल इस तरह बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें बॉटल को पेंट करना है व्हाइट कलर में, तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ व्हाइट स्प्रे पेंट। मैं व्हाइट स्प्रे पेंट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्प्रे पेंट अवेलेबल था। आपके पास अगर स्प्रे पेंट अवेलेबल नहीं हो तो आप कोई भी एक्रिलिक कलर यूज कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप व्हाइट ही यूज करो क्योंकि फिर आप उस पर जिस भी कलर का कोट लगाना चाहे वो आसानी से उभर के दिखता है। तो अभी मैंने बॉटल को पूरा पेंट कर दिया है और अभी मैं इसे सूखने के लिए रख रहा हूँ, और जैसे ही ये बॉटल सूखती है तब मैं मिलूंगा आपको मेरे ड्राइंग टेबल पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बॉटल पूरी तरह सूख चुकी है और अब हम इस पे काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो पहले अभी बारी है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हमें इस पे आउटलाइन ड्रॉ करनी है। जो भी हमारी डिज़ाइन फाइनल की है हमने, तो उस डिज़ाइन की हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमें कलर करने में आसानी होगी। तो आईज ड्रॉ करने के लिए मैंने आईज के शेप के पेपर का कटआउट कर लिया है, और जो कि हम अभी उस बॉटल पे रख के सिर्फ ट्रेस कर लेंगे जिससे कि हमें आईज ड्रॉ करने में आसानी हो। तो अब हम इसी तरह पूरी बॉटल पे जो हमें डिजाइन चाहिए उस पूरी डिजाइन की आउटलाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको हल्की हल्की आउटलाइन दिख रही होगी, हमारी पूरी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी जो थर्ड स्टेप है वो है इस पे कलरिंग करना। तो कलर के लिए मैं इस पे यूज करने वाला हूँ एक्रेलिक कलर जो कि किसी भी सरफेस पे चल जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा येलो कलर ही है क्योंकि हम मिनियन का कैरेक्टर बना रहे हैं। कलरिंग करते हुए ध्यान रखें कि आप बिल्कुल, मतलब जो भी ब्रश यूज कर रहे हैं उसकी लाइनिंग का जो टेक्सचर रहता है वो कलर पे ना रहने दें। आप स्मूथ सरफेस जैसे उसको फिनिश लाने की कोशिश करें। तो अब हमारी कलरिंग तो थोड़ी बहुत कंप्लीट हो चुकी है, और आप देख पा रहे होंगे ये जो इम्परफेक्शंस है आउटलाइन में
उसे कवर अप करने के लिए हम यूज करेंगे परमानेंट मार्कर। परमानेंट मार्कर से हम इस पूरे पेंट की या डिजाइन की आउटलाइन करने वाले हैं, जिस आउटलाइन की वजह से ये पूरा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट लगेगा और इसकी फिनिशिंग जो होगी वो बहुत अच्छी दिखेगी। अभी हम फाइनल कलरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड की बेल आइकन भी दबाएं। अभी कलरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ी ही देर में आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखा दूंगा।